में रिकंस्ट्रक्शन करवाए और जहां इन्होंने जो फेंका था उस जगह से बिल्कुल उसी जगह पे खोजबीन करके वो कपड़ा और क्या बोलते हैं इनकी कंबाइंड रिकवरी में बाबा जी का कपड़ा, बाबा जी का बैग, डोंगल जो मेन डोंगल जिसके वजह से ये मुकदमा खुला, हमारा मतलब भगवान का आशीर्वाद है, वो डोंगल ओपन हुआ, वो डोंगल मिला है वहाँ पे। और बाकी सारे सामान जो पैसा नहीं थे, जैसे लोगों की अर्जी मन्नत पत्र, वो सब वहीं छड़ा हुआ फेंका था, वो सब हमने बरामद कराया है इनके निशानदेही पे। और इनके ही पास से जो है पैसे भी बरामद हुए हैं, रामपाल से 4,800, पवन के कब्जे से 3,700 और एक मोबाइल फ़ोन जिसके वजह से ये ट्रैक हुए हैं, गालीचरण के कब्जे से एक मोबाइल फ़ोन जो ये लेके आया था घटनास्थल को, वो पूरा ट्रैक हुआ। जो भी इन्होंने कहानी बताया है, हर कहानी ये जो इनका पूरा क्राइम का हर चीज़ का सीसीटीवी में हमने एविडेंस कलेक्ट करने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है। काफ़ी सीसीटीवी का एविडेंस हमने कलेक्ट कर लिया। घटना होने के बाद ये फिर 6 बजे तक यहीं सुखा पुल के पास ही खड़े रहे। दिन निकलने के बाद जो ई रिक्शा आई, जब इधर उधर के ई रिक्शा चलते वहाँ से गए वो खटीमा रेलवे स्टेशन, वहाँ से पीलीभीत का ट्रेन पकड़ के वापस गए। ये सारी चीज़ें सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। बहुत अच्छी एक प्रोफेशनल पुलिसिंग जो बोलते हैं, हमारा डीजीपी साहब हमेशा यही बोलते हैं हमें, श्री अभिनव कुमार सर, कि घटना लेट से भी खुले पर प्रोफेशनल तरीके से खुलना चाहिए और सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए। तो इसी प्रकार का प्रोफेशनल पुलिसिंग का दुरुस्त नमूना ये पुलिस टीम दिखाई है। पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। मैं बड़ा ही गर्व महसूस करता हूँ इस टीम का हम नेतृत्व करने का मौका मिला है। ऐसी अच्छा टीम है, कभी भी मतलब सही राह पे टल के हमेशा सही काम करते हैं। और विशेष रूप से जो टेक्निकल में काम करने वाले जो लड़के हैं जिन्होंने हमको ये सारी चीज़ें हमें उपलब्ध कराया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़ी टीम को तो बहुत अच्छी वर्कआउट हुआ है। जो हमारा टीम है सब बता तो दिया आपने, मनोज कत्याल है, अभय है, कई दिनों से अभय जो है SP काशीपुर होने के बावजूद यहीं पर कैंप करके काम कर रहे हैं, बिहारी का दानू जो हमारा प्रकाश सिंह दानू है, प्रभारी निरीक्षक कटीमा, प्रवीण कोश्यारी SHO ITI, नरेश चौहान हमारा SHO बाजपुर, दिनेश फर्तियाल SHO गुंडा, भूपेंद्र ब्रिजवाल जिन्होंने ट्राइब्स पर बहुत काम किया, आज कुछ कारणवशात यहाँ नहीं आ पाए दोनों, और अशोक कुमार है SSI कटीमा, रविंदर बिष्ट थानाध्यक्ष जनकैया जो दिन रात मेहनत किया और आज यहाँ का IO है, देवेंद्र गौरव SO नानक पत्ता, कमलेश भट्ट पुल भट्टा जो लिफ्टिंग में बहुत अच्छी काम किया उनकी टीम द्वारा, प्रदीप शर्मा, संदीप पिलकवाल, ललित बिष्ट, पंकज मेहर, विपुल जोशी, महेश कांडपाल, कीर्ति भट्ट, मनोज देव, संजय सिंह, विजेंद्र कुमार, प्रियांशु जोशी, हमारा नीरज सामंत है हेड कॉन्स्टेबल्स में शुरू करें तो तारा दत्त कापड़ी है, तपेंद्र जोशी, राजेंद्र जोशी, ताजुद्दीन, चंदन सिंह, निशा बिष्ट और हमारा मोहम्मद इरफान, नवीन टमटा, नीरज शुक्ला, खेतवाल, फिरोज खान। हमारा टेक्निकल टीम में बात करें तो भारत है, मनोज धोनी है, भुवन पांडे, कॉन्स्टेबल भुप्पी एज यूजुअल बहुत अच्छा लीड निकाल के इन्होंने दिया है नंबर्स को, जिसके वजह से अकुला है। और एक मुख्य व्यक्ति है यहाँ पे कॉन्स्टेबल अनिल है जो नैनीताल से आए हैं, अनिल गिरी, तो उसने एक बहुत अच्छा लीड निकाल के दिया जिससे ये डोंगल का खुलने का हमें ये एविडेंस मिला और उसके आधार पर हमारा भुप्पी ने नंबर्स निकाल के दिया। इन दोनों की मैं सिंगल आउट कर रहा हूँ, टेक्निकल में इन दोनों की बहुत अच्छी काम थी। बिनवाल पंकज बिनवाल कैमरास की तो मास्टर है वो, कुलदीप है हमारा टेक्निकल और मैनुअल का मास्टर है, मोहन बोरा, वीरेंद्र, कुलदीप कुमार, नीरज बोझ, ललित कुमार, राजेंद्र कश्यप और हमारा कांस्टेबल भानु प्रताप ओली नैनीताल से आए हैं। ANTF में हमारा मुख्य रूप से राजेश पांडे और संतोष रावत हर एक लीड में परस्यू करें, लिफ्टिंग में रहे। चंपावत की टीम में कांस्टेबल नासिर ने बहुत मेहनत किया। मैं एक एक व्यक्ति को यहाँ पे धन्यवाद और सल्यूट मारना चाहता हूँ। मैं बहुत अच्छी आपने मेहनत करा, 3 हफ्ते का आपकी मेहनत आज एक रंग लाया है, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर घोषणा करना चाहता हूँ, मेरी तरफ से जो सर्वोच्च अमाउंट होता है 2,500 रुपये का कैश रिवॉर्ड टीम को मैंने घोषणा करता हूँ इक्वल अमाउंट में बांटने के लिए, और उसके अलावा DIG महोदय ने 5,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड नगद पुरस्कार का तत्काल घोषणा कर दिया है। DGP महोदय ने भी इस अनावरण के लिए कैश रिवॉर्ड का घोषणा किया है, कितना अमाउंट है वो बाद में क्लैरिफाई हो जाएगा। तो तीनों द्वारा DGP महोदय, DIG महोदय और मेरे द्वारा भी कैश रिवॉर्ड इस टीम को घोषणा करते हैं हम लोग, हम इनको टीम को रिवॉर्ड देंगे और आगे भी कोई और अवार्ड या रिवॉर्ड या पदक के लिए भेजना हो तो हम इस टीम पे से ही दे देंगे। ब्लाइंड केस को सफलतापूर्वक पहली बार अनावरण हुआ है तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां सभी को। जय आप उनको जय जय। अभी रुकना है।
तरफ जाइए, चल रहा है, चल रहा है।